अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक पिछली वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी औरत की शर्मगाह में लहसुन रखने का कमाल। ठीक है जी, तो इस हवाले से जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, वो लोगों ने उसको पसंद भी बहुत किया, लेकिन उस हवाले से फिर लोगों के बुरे कमेंट भी बहुत ज़्यादा आए थे, जिनका जवाब मैंने कहा भी था कि मैं वीडियो एक स्पेशल बनाऊंगा, उनका जवाब मैं उस वीडियो में दूंगा और ये तरीका इस्तेमाल करने का मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ़ायदा असल में है क्या और इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इसके इस्तेमाल के बाद इसका क्या असर होता है। ठीक है जी, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, जो कि मैंने इस हवाले से एक इनाम रखा था कि 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, और मैं 20 तारीख को इंशाल्लाह ये इनाम जो है वो आप लोगों को दूंगा किसी एक खुश नसीब को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मज़ीद इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं हेल्थ टिप्स आपके लिए, आपको लोगों के लिए जो कि सऊदीया में रहते हैं या दुबई में रहते हैं लोग, तो उनके लिए अरब अमारात में जितनी स्टेट्स हैं उनमें रहते हैं और पाकिस्तान में, उन लोगों के लिए मैं ये हेल्थ टिप्स लेके आता रहूँगा और ताकि उन लोगों को वहाँ परेशानी ना हो। ठीक है जी, तो इस तरह के मैं गिफ्ट्स मज़ीद भी लेकर आऊँगा इंशाल्लाह 3 लाख सब्सक्राइबर होने पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो में बताया था कि औरत की शर्मगाह में लहसुन रखने का क्या किरदार है, उसका कमाल क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, बेसिकली मैंने वो वीडियो इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव लिया। ठीक है जी, नेगेटिव इस तरीके से लिया कि उन लोगों ने ये समझा कि 10 रुपये की ट्यूब मिलती है, टेस्ट ट्यूब मिलती है, आप वो टेस्ट करा लें, ये ख़तरा भी हो सकता है, ये है वो है फलां फलां, बहुत ज़्यादा उन्होंने यानी कि इस वीडियो को क्रिटिसाइज़ किया और इसको कुछ ही लोगों ने नापसंद किया और बड़े अजीब अजीब से कमेंट किया, जो कि मैं पढ़ आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने क्या क्या बकवास इस तरीके से किए। मैं उनकी बकवास का जो है वो आपको मैं बकवास ही कहूँगा, क्योंकि अच्छे लोग जो हैं जिन्होंने अच्छे कमेंट किया मुझे अप्रिशिएट किया और मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने किए हैं बकवास उन लोगों के लिए जवाब है मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि जब आपके आबाओ अजदाद थे ना, जब वो बूढ़े, आप तो बूढ़े होंगे होंगे, लेकिन जब पहले जवान थे ना, तो पहले जब पुराना दौर था तो यही चीज़ इस्तेमाल होती थी। ठीक है, अब अगर आप आकर एडवांस हो गए, आपको गोरों ने एडवांस कर दिया है, तो आप जनाब उनकी लाइन पर चलना शुरू हो गए। ये देसी नुस्खे हैं मेरे भाई, मेरे पास बुक है और मुझे उस्तादा ने ये पढ़ाया है कि हकीम लुकमान के ये नुस्खे हैं। ठीक है, जिनके जिनकी हिकमत आप आज, जिनके एहसान मन सारी दुनिया है उनकी हिकमत इस्तेमाल कर रही है, ये उन्हीं का नुस्खा है कि औरत की शर्मगाह में लहसुन रखने का कमाल क्या है, कि औरत की शर्मगाह में लहसुन रखोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा और वो कैसे उसका असर होगा और क्या फ़ायदा हो। बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि लहसुन ये हमला अगर आपको पता नहीं चल रहा ना कि हमला औरत हो गई है, हमल हो गया है, हमल ठहर गया है या नहीं, तो ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। 10 रुपये की ट्यूब खरीदने से भी बेहतर ये तरीका है। अब लहसुन कोई एक ये जुआ जो है ना, एक जुआ ये देख लें, छोटा सा लें, बड़ा ना लें, छोटा लें, शर्मगाह के अंदर रखकर 3 घंटे के लिए सो जाएं। ठीक है, उठें तो लहसुन अगर महसूस हो तो हमला नहीं है औरत, अगर लहसुन महसूस ना हो तो औरत हमला है। अगर लहसुन की आप बू महसूस हो ना तो औरत जो है वो हमला, ठीक है, नहीं है। अगर वो जो है इसकी महसूस ना हो तो हमला है, अगर लहसुन की वो महसूस हो तो हमला नहीं है। ये पहले दौर के लोग जो है वो इसको, आप बात समझ आ रही है मेरी, आप अगर आप समझ नहीं आई तो वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि पहले दौर के लोग इसी को इस्तेमाल किया करते थे, हमल हो गया है तो वो चेक करने के लिए। तो आप अभी आकर बादशाह लोग हैं, एडवांस हो गए हैं, गोरों ने आपको एडवांस कर दिया और आप इधर बातें हमारे आगे करते हैं, तो मेरे भाई पॉजिटिव होकर वीडियो देखा करें और इसको पॉजिटिव लिया करें। मैं सऊदीया और अरब अमारात में जितने लोग रहते हैं, मैं उन लोगों के अप्रिशिएट करता हूं जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, और मैं इंशाल्लाह उनके लिए सऊदीया वालों के लिए मैं एक स्पेशल नुस्खे लेकर आ रहा हूँ। सऊदीया वाले ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सऊदीया अरब अमारात वाले, अरब जितनी स्टेट है, बड़े ज़बरदस्त नुस्खे और ठंडे मिजाज वाले नुस्खे लेकर आ रहा हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।